तो ज्ञानियों, क्या हाल है आपके? अधिकतर लोगों के घर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। छोटा हो या बड़ा, कोई भी गैस सिलेंडर को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। परंतु गैस सिलेंडर लेते समय क्या आपने उस पर लिखे नंबर के बारे में ध्यान दिया है? आखिर इस नंबर का क्या मतलब होता है? यह सिलेंडर पर क्यों दिया जाता है? अगर आपको नहीं मालूम तो इस वीडियो में आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और मैं आपको एक उदाहरण से भी समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में आपके लिए एक बोनस पॉइंट और एक क्वेश्चन भी है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो चलो शुरू करें। कभी कभी सुनने को मिलता है कि गैस सिलेंडर लीक हो गया या फट गया, ये कैसे होता है? जिस गैस सिलेंडर को घर में इस्तेमाल करते हैं उनको सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। गैस सिलेंडर लेते वक्त यह देखना चाहिए कि वो कहीं से टूटा फूटा या पुराना ना हो, और इसका पता गैस सिलेंडर में लिखे पिन कोड से कर सकते हैं। ये कोड आपको गैस सिलेंडर में रेगुलेटर के पास तीन पट्टियों में से किसी एक में मिलता है और उस पर ABCD के साथ कुछ नंबर लिखा रहता है। गैस की कंपनियां इन अल्फाबेट्स को 12 महीनों के हिसाब से 4 भागों में बांट देती है, जो इस प्रकार है। A का मतलब है जनवरी से मार्च तक, B का मतलब है अप्रैल से जून तक, C का मतलब है जुलाई से सितंबर तक और D का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर तक। इन कोड की सहायता से गैस कंपनियां गैस की टेस्टिंग का महीना तय करती है कि किस महीने गैस की जांच पड़ताल हो। साथ ही आगे लिखा नंबर यह दर्शाता है कि कौन सा गैस किस साल में टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। आइए उदाहरण से समझते हैं। इस सिलेंडर का कोड B13 है। इसका मतलब है कि सिलेंडर को अप्रैल से जून 2013 तक टेस्टिंग के लिए भेजा जाना चाहिए था या भेजा गया होगा। मतलब कि इस सिलेंडर का टेस्टिंग पीरियड अप्रैल से जून 2013 तक है। इसी प्रकार इस सिलेंडर का कोड D23 है, जिसका मतलब है कि इस सिलेंडर को अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक सर्विसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए, यानी अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक इसका टेस्टिंग पीरियड है। इस बीच इस सिलेंडर का टेस्टिंग हो जाना चाहिए। इस डेट के बाद अगर गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है या किसी के घर में गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है तो ये चेक कर ले कि सिलेंडर का वॉल्व लीक तो नहीं कर रहा, और यदि लिया गया गैस सिलेंडर की डेट पुरानी है तो उसको गैस एजेंसी में जमा करवा सकते हैं। सिलेंडर लेते वक्त आप ये ध्यान जरूर रखें कि उस सिलेंडर की एक्सपायरी या सर्विसिंग डेट जरूर चेक कर ले। इसके लिए आप इस कोड का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको एक्सपायरी डेट चेक करने में आसानी हो और आप सुरक्षित रहे। अब बारी है आपके बोनस पॉइंट की। पहला, यदि इंसानों में चील की आंख हो तो हम 10 मंजिल इमारत से भी जमीन पर चलती हुई चींटी को भी देख सकते हैं। दूसरा, आप जो महात्मा गांधी की फोटो भारतीय नोट पर देखते हो उसे 1947 में इस फोटो से कॉपी किया गया है जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। इस फोटो को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करके नोट पर छापा जाता है। तीसरा, ये है सूडान की मशहूर मॉडल नाया किम। ये दुनिया की सबसे काली त्वचा वाली महिला है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। चौथा, गैस हमें दूर से ही दिखाई दे इसलिए गैस सिलेंडर को लाल रंग से रंगा जाता है। पांचवा, गैस बुक करवाते समय आपसे डिलीवरी चार्ज भी काट लिया जाता है। यदि कोई डिलीवरी बॉय आपसे पैसे मांगता है तो मत देना। अब बारी है आज के क्वेश्चन की। तो आज का आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय रुपए के चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, इस वीडियो को हर उस जगह पर शेयर कर दो जहां पर लोगों को ये नहीं मालूम कि गैस की एक्सपायरी डेट क्या होती है, जिससे कि उन लोगों को गैस एक्सपायरी डेट का पता चल सके। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक जरूर मिलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।